नमस्कार, मैं हूं कावेन चौहान। राष्ट्रीय बीज भवन दिल्ली कार्यालय में एनएससी ने भारत सरकार को 8,98,00,000 रुपए का भुगतान किया, जो कि लाभांश था, जो प्रभावी कर पश्चात लाभ का 30% है। लाभांश चेक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गौड़ ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। एनएससी ने लगभग एक दशक से लाभांश वितरण के अपने कार्य निष्पादन रिकॉर्ड का पालन किया है। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्रीगणों का सीएमडी एनएससी ने स्वागत किया। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुण नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद मंत्रीगणों ने बीजों की प्रदर्शनी को देखा और फिर ऑडिटोरियम में आकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि आज जो मुख्य कार्यक्रम है वो तो डिविडेंड देने का ही है, और मुझसे जब समय की बात हुई थी तो डिविडेंड ही प्रमुख रूप से उसमें विषय था। आमतौर पर ये होता है कि डिविडेंड के लिए मंत्रालय में आकर प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन गौड़ साहब का यह आग्रह था कि काफी दिन हो गया है तो हमारे कार्यालय में आना चाहिए, तो हम सब लोगों को लगा कि चलो इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों से मिलने का भी अवसर मिल जाएगा, और इसलिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने सीड ट्रेसिंग के लिए बनाई गई ऐप को भी लॉन्च किया। ये एक मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप के जरिए किसान एनएससी के बीजों के नाम पर बिक रहे नकली बीजों से बच सकेंगे। एक टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद बीज लेना भी आसान हो जाएगा। ऐप लॉन्च करने के साथ ही मौके पर एक किताब एनएससी जर्नी इन द सर्विस ऑफ फार्मर्स को भी लॉन्च किया गया। जो लाभांश देने जा रहे हैं वो 8.98 करोड़ रुपए का हम लाभांश देंगे। आज ये नई चीज लोकार्पित करने के हम सब लोग साक्षी हो पा रहे हैं कि राष्ट्रीय बीज निगम अपनी यात्रा के 50 से अधिक वर्ष पूरे कर चुका है, और इस पूरी यात्रा को शंकर जी ने जो लिपिबद्ध करने का प्रयत्न किया, और आज उस पुस्तक का यहाँ लोकार्पण हुआ है, यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात। शंकर जी ने तो इस पुस्तक को लिपिबद्ध करने में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन यह पुस्तक राष्ट्रीय बीज निगम परिवार के काम तो आएगी ही, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दूसरी संस्थाएं भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में इस किताब की मदद ले सकती है। इसलिए इस ग्रंथ के लोकार्पण के अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब बीज की महत्ता को जानते हैं, जैसा भी अभी माननीय रूपाला जी चौधरी साहब ने आप सबके समक्ष कहा, वैसे तो बीज से ही उत्पन्नता सबकी है, लेकिन खेती के क्षेत्र में हम देखें तो बीज की एक बड़ी महत्ता है, और जो लोग बीज के क्षेत्र में काम करते हैं वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, मैं समझता हूँ उनकी बड़ी जिम्मेवारी है, और उनकी जिम्मेवारी पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप ही आज देश भर में खेती लहलाती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। किसान परिश्रम कर सकता है, किसान पूंजी लगा सकता है, रखवाली कर सकता है, सिंचाई कर सकता है, लेकिन बीज के लिए तो निर्भरता आप सब लोगों पर उसकी है।
अगर बीज की गुणवत्ता और बीज की पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्धता, ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो कृषि के क्षेत्र में हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। इस बीच वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े बी संकरण को एनएससी की रीजनल टीम ने सम्मानित किया। बी संकरण ने किताब का फ्री में मुफ्त में संपादन किया है। बी संकरण ने सभी अतिथियों का अभिवादन स्वीकार कर भावुकता के साथ एक आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी विशेष रूप से नामित दिनों की तरह ही बीज दिवस भी मनाया जाना चाहिए। उनकी इस मांग का उपस्थित तीनों मंत्रियों ने स्वागत किया है। एक समय ऐसा था कि उस समय हमारे देश के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के अंदर हम आयात किया करते थे, लेकिन आज ऐसी कई फसलें हैं जिसके अंदर हम सरप्लस हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के किसानों का और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका और इन सब का योगदान रहा, और जिसमें एनएससी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एनएससी ने हमारे गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करके और किसान तक पहुंचाने का जो कार्य किया, उसकी वजह से आज किसान अपने उत्पादन को अधिकता के अंदर या उसको बोने के अंदर सक्षम हुआ, क्योंकि एनएससी के द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जाता रहा है कि वह किसानों के खेत के अंदर भी जाकर उनको भी बीज देकर वहां पर तैयार करवाता है। साथ ही नेशनल सीड कॉरपोरेशन के स्वयं के भी अपने फार्म हैं और वहाँ पर भी ये तैयारी की जाती है, और निश्चित रूप से वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के साथ भी, मैं भी जाके आया कई ऐसे जो खेत हैं जहाँ पर जाकर वहाँ पर देखा, तो वास्तव में जिस तरह से काम किया जा रहा है और किसान और वहाँ पर अधिकारी और जो हमारे सभी वहाँ पर लगकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, और नई बीजों की जो वेराइटी है उनको भी वहाँ पर बोकर और उसके बाद में किसान तक पहुँचाने का काम निरंतर किया जा रहा है। और आज जो हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो प्रयोगशाला का गुणवत्ता नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगशाला का जो शुभारंभ किया गया है और देश को समर्पित की गई है, इसका भी निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस संस्था को और आने वाले समय में देश के किसान को इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही मैं ये भी कहूँ कि जो आज सीड ट्रेसिबिलिटी कार्ड का जो ऐप लॉन्च किया है, ये लॉन्च जो ऐप किया गया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर किसान को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है। जितने बिंदुओं का जिक्र मेरे मित्र कैलाश जी ने किए हैं, उस सभी में मैं अपना दस्तखत करता हूं और उसमें मेरा अनुमोदन करता हूं। एक बहुत ही सुचारू ढंग से अपनी इस यात्रा को आप सब संभाले हुए हैं। कृषि प्रधान देश की प्रारंभिक शुरुआत बीज से होती है, खेती की शुरुआत बीज से होती है। ये यदि सही हो गई तो आधी खेती हो गई, बाकी की आधी के लिए और सारी चीज़ों की जरूरत होती है। मैं आने वाले दिनों के लिए सिर्फ एक दो बातें आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। एक, देश के किसानों को वैरायटी सीड्स की उपलब्धता ज्यादा मात्रा में हम करने की दिशा हमें रखनी चाहिए। या हाइब्रिड सीड्स का महत्व क्या है उसके बारे में मैं कोई चैलेंज करना नहीं चाहता। इनकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, उसमें भी जो संशोधित बीज हैं, उन्नत किस्म के बीज हैं, टॉलरेंट वैरायटीज, जो क्लाइमेट चेंज की जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, इन सबको मिटविथ करने के लिए जो जरूरत है वो तो अवश्य करिए, मगर क्या उसमें भी वैरायटी सीड्स के द्वारा ये हो सकती हो तो उसी की दिशा में हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। वर्ष 2019-20 का जो हमारा आज लाभांश वितरण का कार्यक्रम था, उसमें माननीय कृषि मंत्री, माननीय कृषि राज्य मंत्री, सभी गण आए हुए थे, एनएससी की सारी अधिकारीगण, इसके संचालक मंडल के सदस्यगण, कृषि मंत्रालय के सारे अधिकारीगण, इन सभी लोगों ने इसमें आज भाग लिया। एनएससी के द्वारा लगभग 9 करोड़ रुपए का लाभांश जो है भारत सरकार को आज दिया गया है। ये
सन 2019-20 में जो लाभ है उसका कुछ 30% जो है भारत सरकार को दिया गया है। ये सब जो है एनएससी के जितने भी पॉलिसीज हैं और जो भी हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण जो काम कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज एनएससी कभी जो नुकसान में होती थी, आज वो हर साल भारत सरकार को लाभ और लाभांश दे रही है। सर, ये पूछना चाहूँगा, जो एनएससी का आज कार्यक्रम था, सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिस कार्यक्रम में आप आए? एनएससी का आज कार्यक्रम बहुत अच्छा था। एनएससी ने डिविडेंड भी सरकार को दिया है और विशेष रूप से एनएससी की जो यात्रा है 59 वर्ष की, उसको लेकर उन लोगों ने लिपिबद्ध किया है, उस पुस्तक का भी आज प्रकाशन था। और विशेष रूप से जो सीट ट्रेसेबिलिटी के लिए ऐप बनाया है, ये बहुत ही उत्तम कार्य है और एनएससी निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफलता की ओर बढ़ रही है। और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि एनएससी की ताकत जितनी बढ़ेगी उतना सीट की गुणवत्ता अच्छी होगी और गारंटी होगी और सस्ते दाम पर किसान को उपलब्ध होगा। सर, कृषि मंत्रालय किस तरीके से आगे एनएससी की मदद करेगा सर इसमें और आगे बढ़ने के लिए? एनएससी की तो मदद करने के लिए कृषि मंत्रालय पूरी तरह तत्पर है। जब भी ये लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो उसको मंत्रालय गंभीरता से विचार करे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री ने एनएससी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि कृषि मंत्रालय हमेशा उनके साथ है और हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आता रहेगा।